नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट पर। आज हम देखने वाले हैं प्रश्न 11.1 का 12 सवाल। इसमें दिया हुआ है कि एक मीनार है और ये यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है ना, मीनार लाइट मतलब लाइट हाउस है, तो लाइट का लाइट हाउस के ऊपर वो लाइट लगी हुई है, उसकी मतलब ये त्रिज्या यानी कि इसकी दूरी जाती है अपनी 16.5 किलोमीटर तक जाती है, मतलब इसकी ये प्रकाश जाता है लाइट का 16.5 किलोमीटर तक, ठीक है। और इसका जो प्रकाश का जो कुंज मतलब ऐसे ही जाता है ना, तो ऐसे बनाता है, तो उसका डिग्री का कोण होता है 80 डिग्री। 80 डिग्री कोण होता है ना, 80 डिग्री के तक प्रकाश यूँ फैलाता है, ठीक है। और यहाँ तक आगे चट्टाने हैं, तो जाल को बताने के लिए उसने ये मतलब लाइट जलाई है, ठीक है। तो अपन को इसका जो लाइट का पुंज बनाना है, ये पूरा टोटल इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो करते हैं अपन इसका क्षेत्रफल ज्ञात। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन को है ना, पहले इनको सोल्व करेंगे। पहले लिखेंगे अपन आर बराबर कितना दिया हुआ है अपन को, 16.5 किलोमीटर, और थीटा बराबर अपन को दिया हुआ है 80 डिग्री, है ना। तो प्रकाश पुंज का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं या फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अपन को निकालना है, ठीक है। ये वाला त्रिज्याखंड बन रहा है ना, ये अभी पूरा वर्त बनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा पूरा वर्त, इसका त्रिज्याखंड है छोटा सा, है ना। तो अपन को निकालना है, तो इसका सूत्र होता है थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें मान रख देंगे अपन, तो थीटा का मान अपन को 80 डिग्री, 80/360 इंटू 22/7 इंटू 16.5 का स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दो या फिर दो बार लिख दो इसको 16.5, ठीक है। सभी को गुणा करके अपन लिखेंगे ना, तो इसका आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।